हाँ मेरी जान चलते हैं ना। तो चाय पीने चलते हैं क्या? हाँ भाई चलते हैं ना। चलो 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 भाई, बैठो बैठो। चाय के पैसे कौन देगा भाई? अरे मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो चल भाई चलते हैं। अरे भाई अकेले अकेले कहाँ जा रहा है? चाय भी चल जाएगा। अरे तू भी चल रहा हूँ। अरे ये हेलमेट मुझे दे, तुझे जरूर। अरे मैं वैसे भी हैवी ड्राइवर हूँ। चलो भाई चलो। अरे रुको तो, सारी गाड़ी को स्टार्ट करना तो। नर्स इन चालों का सैंपल लो। इन्हें सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, इन्हें तुरंत ब्लड की जरूरत है। आप इसे कौन ब्लड देगा? मैं दूंगा केबी भाई को ब्लड। आपकी रिपोर्ट्स में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है, इसलिए आप ब्लड नहीं दे सकते। मैं दूंगा मेरे भाई को ब्लड। आपको एड्स है, इसलिए आप ब्लड नहीं दे सकते। और समय पर ब्लड ना मिलने के कारण इसकी डेथ हो गई। मृत्यु शैया पर लेटा वह बूंद बूंद को तड़प रहा, एक अनुताप रह गया मन में जो पल-पल सा घटक रहा। जीवन यूं ही गुजार दिया, एक बार भी ना रक्तदान किया, बार बार समझाने पर भी हर बार क्यों इनकार किया। आज खुद पर आन पड़ी मजबूरी थी, तब जाकर एहसास हुआ कि रक्त की हर एक बूंद जरूरी थी। तो यहाँ पर हमने तीन परिस्थितियाँ देखी। सबसे पहली परिस्थिति में हमने ये देखा कि जिस भी व्यक्ति को रक्तदान करना है तो उसको कम से कम 24 घंटे पहले शराब का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। दूसरी परिस्थिति में हमने ये देखा कि जो व्यक्ति को कभी भी इन्फेक्शन या फिर कम्युनिकेबल डिसीज है तो जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक हम रक्तदान नहीं कर सकते। और तीसरी परिस्थिति में हमने ये देखा कि जो व्यक्ति सच में काबिल था उसने अपना रक्तदान नहीं किया, जिसकी वजह से उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। हमारे देश में हर दिन 12,000 लोग इसी कारण मारे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO 5 करोड़ यूनिट्स ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर, बट ओनली 2.5 करोड़ यूनिट्स ब्लड इज अवेलेबल। लुक एट द ह्यूज डिफरेंस। इंडिया पीपल ओनली डोनेट्स 1% ऑफ देयर ब्लड। तो अगर आप सच में काबिल हैं तो रक्तदान जरूर करें। आइए देखते हैं दूसरे दृश्य। चल भाई चाचा विधायक बन गया। और ये तो वही है जो उसने अपने लगाई होगी। मारो 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 क्या बात कर रहा है? क्या बात है? इमरजेंसी साइड का।
भाई साहब,
रक्तदान है जीवन दान।
बैच ने आप तक पहुंचाने में सफल रहे। संपूर्ण बैच की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आर रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, आर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल इंचार्ज मैम, एचओडी ऑफ रोग निदान डिपार्टमेंट एंड ऑल अदर फैकल्टीज फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, यू ऑल हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस।